देश के पुरातत्व विभाग ने प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक ऐसी पुरातत्व विभाग की धरोहरों को पर्यटकों के लिए नहीं खोला है। इसी के तहत सुजानपुर उपमंडल का प्रसिद्ध धरोहर नर्मदेश्वर टेम्पल भी बंद है, जिस कारण यहाँ पर पहुँचने वाले पर्यटकों को प्राचीन नर्मदेश्वर मंदिर के दीदार नहीं हो रहे हैं, जिस कारण पर्यटकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सुजानपुर के नर्मदेश्वर टेम्पल में कांगड़ा शैली की जीवित कला देखने को मिलती है। यहाँ पर बने महलों और मंदिरों को देखने के लिए पर्यटक दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने कहा कि बेशक पुरातत्व विभाग ने प्रवेश पर लगाई पाबंदी को हटा दिया है, लेकिन इन प्राचीन धरोहरों में प्रवेश पर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। गाइडलाइंस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से जो हमें प्राप्त हुई है, वो पूरे कंट्री में जितने इस तरह के साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनके लिए उन्होंने ब्लैंकेट ऑर्डर्स निकाले हैं कि उनको अलाउड है अगर चाहे तो खोलना, लेकिन ये जो ऑर्डर्स हैं ये इनको सब्जेक्ट टू रखा गया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम लोकली लागू हैं उनके तहत ही इसके ऊपर फाइनल डिसीशन जो है वो लिया जाए। तो हमारे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लागू हैं और मंदिर या रिलीजियस प्लेसेस के जो है खोलने की अभी अनुमति नहीं है पब्लिक के लिए विद इन द स्टेट ऑफ HP, और इस जो ऑर्डर है इनके तहत जैसे ही हमें गवर्नमेंट से फर्दर डायरेक्शन आएंगे उस हिसाब से ही नर्मदेश्वर टेम्पल को भी खोलने का निर्णय जो है वो आगे खोलेंगे। निर्देश नहीं मिलता है हमें तब तक ऐसे ही चलेगा मंदिर खुलेंगे, और जब निर्देश आ जाएगा तो मंदिरों के द्वार फिर आपको पता ही है कि जैसे खुलते हैं